वेलकम टू इशानी वीडियोस। भाग्यलक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पर काफी ज्यादा धूम धड़ाके से मनाया जाने वाला है करवा चौथ। दूसरी तरफ यहाँ पर साजिशों के ढेर लगने वाले हैं। एक तरफ मलिष्का और उसकी मॉम मिलकर यहाँ पर लक्ष्मी का व्रत तोड़ने की कोशिश करेंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर एक नई साजिश रची जाएगी जहाँ पर अब आयुष के पास में अपनी बेटी को रानो भेजने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ आने वाले एपिसोड में आयुष और शालू के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी और यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे के और भी क्लोज आते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या यहाँ पर इन सब के घिनौने प्लान कामयाब हो पाएंगे, बताएंगे सारी बातें इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में ऋषि और लक्ष्मी के बीच में यहां पर नजदीकियां बढ़ते हुए नजर आएंगी, जिसके बाद में अब यहां पर मलिष्का एक दो बार उन दोनों को स्पॉट भी कर लेगी, जिसके बाद में अब उसके दिल में और भी ज्यादा यहां पर जलन पैदा हो जाएगी। और यहां पर ऋषि और लक्ष्मी को अलग करने के लिए, लक्ष्मी का व्रत तोड़ने के लिए यहां पर अपनी मॉम का सहारा लेते हुए मलिष्का यहां पर उसका व्रत तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। करिश्मा उसे स्पॉट कर लेगी और उसके साथ साथ उसके मन में यहां पर कई सारे सवाल आने लग जाएंगे। दूसरी तरफ अब यहां पर लक्ष्मी अब पूरी तरह से एंजॉय कर रही होगी और उसके साथ साथ उसको थोड़ी बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही होगी, जहां पर एक दो बार उसे आयुष संभालते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ आयुष को झटका तो तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि आखिर में यहां पर शालू ने भी व्रत रखा है और उसके साथ साथ आयुष ने भी व्रत रखा है। ये एक दूसरे के बारे में जान के दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे और उसके साथ साथ यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आने वाला है जब यहां पर ऋषि और लक्ष्मी को आशीर्वाद देते हुए यहां पर नीलम नजर आएगी। नीलम यहां पर लक्ष्मी को काफी ज्यादा केयर करते हुए और उसके साथ साथ उसके नजदीक जाते हुए नजर आएगी। ये देखकर मलिष्का और भी जल जाएगी। तो कितने ज्यादा एक्साइटेड सब देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।